अगला अध्याय। भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेना, उन्हें क्षीर सागर आदि देकर बहु से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथ में सौंपना, कृतार्थ हुए उपमन्यु का अपनी माता के स्थान पर लौटना। तदनंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिव जी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया, फिर श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता असुर सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले। उस समय वह ऐरावत दाई सूर से चवर लेकर सचि सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाई सूर में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए चल रहा था। इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्र में उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्र मंडल से मंदरांचल शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवेश्वर जगन्नाथ भगवान देव शिरोमणि आप स्वयं यहाँ पधारे हैं, इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूपधारी शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम्य के बड़े भैया महामुनि उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। वायु देवता कहते हैं, उन इंद्रदेव के ऐसा कहने पर उस समय मुनि प्रवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्मर्षि मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो, उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। वायु देवता कहते हैं, यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म से विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले। उपमन्यु ने कहा, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इस प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निगुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक हैं, तथा प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मावादी लोग उन्हीं को सत असत व्यक्त अव्यक्त तथा नित्य और अनेक कहते हैं, अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से परे तथा सांख्य और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। देवाधम दूत के लिए जो मेरी इच्छा है वह यूं ही रह जाए, परंतु शिवा शास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूत की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्दत हो गए। उस समय अघोर शस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर जोर से सिंहनाद किया। फिर शंभु के युगल चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए वे अपने देह को दह करने के लिए उद्दत हो गए और अग्रयी धारणा धारण करके स्थित हुए। ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए तब भग देवता के नेत्रों का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपने सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उनके छोड़े हुए उस अघोरास्त्र को
नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंदु शेखर रूप को धारण करके और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उन प्रभु ने उस मुनि को सहस्र क्षीर सागर, सुधा सागर, दधि आदि के सागर, धृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र तथा भज्य भोज पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और पुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहाँ वृषभ पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्यास्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुदुम्बिया बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से दसों दिशाएं आशंवित हो गईं। उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वे भक्ति विनय चित से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। इसी समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक सूंघकर उन्हें अनेक वर दिए। शिव बोले, वत्स, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार भक्ष भोज पदार्थों का उपभोग करो, दुख से छूटकर सर्वदा सुखी रहो। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया है और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्य घी, भात तथा अन्य आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया। ये पुओं के पहाड़ तथा भक्ष भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित किए। महामुनि, ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमृत व और गणपति का सनातन पद प्रदान किया है। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी दूसरी अभिलाषाएं हो, उन सबको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए वह सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए, वायु देवता कहते हैं। ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक सूंघकर यह कहते हुए देवी की गोद में दे दिए कि यह तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकीय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। क्षीर सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनश्रवर पिंडी भूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। तत्पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्ट चित हो उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशिनी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। तदनंतर उनके तपोमय तेज को देखकर प्रसन्नचित हुए शंभु ने उपमन्यु मुनि को पुनः दिव्य वर प्रदान किए। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रतयोग तथा चिरकाल तक उसके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव ने शिवा से दिव्य वर तथा नित्य कुमारत्व पाकर बेप्रमुदित हो उठे। उसके बाद प्रसन्नचित हो प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्राह्मण उपमन्यु ने देवादिदेव महेश्वर से यह वर मांगा। देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अविचारणी भक्ति दीजिए। महादेव, मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं, उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए। साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित हुए दुःश्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का स्तवन किया। उपमन्यु बोले, देवादिदेव महादेव, शरणागत वत्सल, करुणा सिंधु, साम्य सदाशिव, आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायु देवता कहते हैं, उनका ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्नात्मा महादेव ने मुनिवर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया, वत्स उपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया
ब्रह्मर्षि, तुम मेरे परम भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। तुम अजर अमर, दुख रहित, यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो। दुष्श्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव, कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। विप्रवर, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा। तुम मेरे पास सानंद विचरोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को अभीष्ट वर देकर करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपने जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए। वायवीय संहिता का पूर्व खंड संपूर्ण।